एक्स का 80% वाई है तो वाई का कितना प्रतिशत एक्स है? देखिए जस्ट उल्टा है, एक्स का 80% वाई है तो वाई का कितना प्रतिशत एक्स है? उल्टा है तो ऐसे 80% का मतलब 80/100, लेकिन उल्टा है तो 100/80 उल्टा पूछ रहा है तो 100/80 प्रतिशत बनाने के लिए पर फिर 100 से गुण काट दीजिए आंसर 0-0 कट गया, 4 × 2 = 8, 4 × 25 = 100, 2 × 5 = 10, 25 × 5 = 125, फिर से सुनिए 25 × 5 = 125 प्रतिशत। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कहता है कि यदि x का 80% वा, देखिए उसको उलट देता है, y का कितना प्रतिशत x है? इस प्रकार हो 80% मतलब 80/100 तो उलट के पूछता है तो उलट देंगे 100/80 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुण काटिए, काट घोट के 125%, ऐसा कोई भी हिसाब हो तो यही करना है। जैसे x का 60% वाई, x का 60% वाई है तो y का कितना प्रतिशत x होगा? 100 को ऊपर कर देंगे 60 को नीचे, क्यों? क्योंकि 60% का मतलब 60/100 तो उलट के पूछता है तो 100/60 प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना काट दीजिए 0 0 0 0 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6 काटिए 500 / 3% पूर्णांक छोड़ दीजिए आंसर। ठीक, ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? 120% कितना होगा? ध्यान दिया जाए, कहता है 20% बराबर 120 तो 1% बराबर 120/100% नहीं, कितना प्रतिशत पूछ रहा है? 120% 120/20 गुणो 100 काट, ये 120 चला जाएगा गुणो पर, क्या के 20% बराबर 120 1% तो ये बटेगी तो 120% तो गुणो 120 काट दीजिए आंसर 2 0 0 कट गया 2 × 12 = 72 720। फिर से सुनिए 20% 120 है तो 20% बराबर 120 1% बराबर 120/20 अब 120% बराबर तो इसी में 120/20 में 120 से फिर गुणा कर दिए काट दिए आंसर 720। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, X का X प्रतिशत 36 है। तो प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 तो उधर जाएगा गुणो में 100 इधर होगा एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 3600 तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 छह को कहते हैं 2 × 0 = 1 = 0 60 के स्क्वायर एक्स बराबर 60। देखिए एक्स का एक्स प्रतिशत 49 है तो एक्स का मूल क्या होगा? ध्यान दिया जाए, ये 100 है नीचे वो चल जाएगा उधर गुणा में 49 100 इधर एक्स गुना एक्स तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 49 100 तो 49 का वर्गमूल 60 और 2 को वर्गमूल 2 × 0 = 1 = 0 यानी 70 के स्क्वायर तो पावर पावर 70 एक्स बराबर 70 आंसर।